हेलो दीदी। हम आज नया रेसिपी लेके आए हैं कुनूरू। तो कुनूरू के सब्जी आप लोग कैसे बनाते हैं? तो हम कुनूरू के सब्जी ना कुनूरू के भुजिया बनाएंगे। तो देख लीजिए, इसको तो हम बढ़िया से धो लिए हैं और ये हम छोटा छोटा करके हम काट रहा है इसको। तो देखिए, इसी तरह से पतला काटना है, मोटा काटने से बढ़िया नहीं होता है। तो ये देखिए, हम पूरा काट लिए हैं, तो इसी तरह से कटना है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई गरम हो चुका है, तो 2 चम्मच कढ़ाई में तेल दे दे रहे हैं। तो तेल भी हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें फिर एक कुनूरू हम छोड़ दे रहे हैं। तो थोड़ा चलाए दे रहे हैं और फिर इसमें लहसुन दे दे रहे हैं और फिर इसमें हमें प्याज 2 ठू प्याज दिए हैं, 2 ठू लहसुन हम छील के इसमें दे दिए हैं और मरचा 3-4 ठू हम चीर के दे दिए हैं, कमी बेशी आप कर सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। तो फिर चलाए दे रहे हैं बढ़िया से। तो देखिए किस तरह बनेगा कुनूरू के भुजिया। तो इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए हमारा कलर चेंज हो रहा है और ये बहुत बढ़िया लगता है। देखिए हमारे बन गया है। तो इस तरह से आप लोग कुनूरू जरूर बना के देखिए, इसका टेस्ट अलग ही है। थोड़ा सा आवाजिया। और फिर इसमें हम लाल मिर्च पाउडर दे दिए हैं और जीरा, भुना हुआ जीरा हम छोड़ दिए हैं। तो फिर बढ़िया से इसको हम मिला रहे हैं। तो इसी तरह आप घर पे बनाइए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा खट्टूपना है इसमें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये भुजिया बनाने से और अच्छा लगता है, किसी के संगारी भी आप खा सकते हैं। तो देखिए भुजिया हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइए, सबके पसंद आएगा इसे बनाने से। तो हम गैस बंद कर दे रहे हैं और ये बर्तन 1 ठुले उसमें हम उतार दिए हैं। तो आप ये भुजिया किसी के साथ खा सकते हैं, चाहे रोटी से खाइए चाहे भात से खाइए, लेकिन जरूर बनाइए घर पे, ट्राई कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।